केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री जो पढ़ता है उसके लिए भी है, जो केमिस्ट्री पढ़ता नहीं है उसके लिए भी है। तो ये पीरियोडिक टेबल सबके लिए है, जो व्यापम की तैयारी कर रहा है कक्षा 8वीं से लेकर ऊपर क्लास जहाँ तक पढ़े, पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है, ये तो तत्वों का समूह है। तत्वों का समूह को पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट तो है नहीं, इसमें एलिमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसा एक हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। इसमें चार ब्लॉक होते हैं। ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक, ये हमारा पी ब्लॉक, ये हमारा एफ ब्लॉक। ये इतना हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसी को हम पढ़ेंगे। इसको याद कैसे करते हैं सब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, इसमें क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है ये सब बताएंगे। ये पहले हमारे पीरियोडिक टेबल में मुख्यतः चार ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। ये चार ब्लॉक होते हैं, ये तत्वों का समूह है, क्योंकि इसमें मेटल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। केवल पी ब्लॉक को छोड़कर बाकी एस डी और एफ टोटली मेटल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ ऑब्सेशन है, अपवाद है, और यहाँ पी में भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, इसमें दो लाइन होते हैं, देखते हैं। एक ऐसा होता है, कैसा होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है वर्टिकल। एक सीधे लाइन जाता है, ये वर्टिकल जाता है। इसकी संख्या होता है 7, इसकी संख्या होता है 18, ठीक है। अभी कैसे कैसे होता है आपको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले एस ब्लॉक की ओर चलते हैं। एस ब्लॉक में इसको याद कैसे करना है, इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, और एलिमेंट का नाम को कैसे याद करना है, ये आपको बताते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। है लीना ने की रब से फरियाद, ये हमारा पहला ब्लॉक हो गया। है लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है। तो ये किससे किससे मिलकर बना है देखते हैं। है को लेते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, लीना लिथियम, ने में हो गया सोडियम, ये ना को भी ले सकते हैं, ने सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये रुबिडियम हो गया हो गया, ये हो गया स्कैंडियम, और ये हो गया हमारा फ्रांसियम, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं, अब आपको पिछला वीडियो में बताए थे, हमारा मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, ये 32, ये 32, ठीक है। इसे अपन एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो इसका होता है हाइड्रोजन का एक होता है, और हम एटॉमिक नंबर यहाँ जोड़ते जाता है, एक में जोड़ दिए तो कितना हो गया, दो में एक जोड़ दिए तो 3, लिथियम का 3 हो गया, 3 में फिर यहाँ जोड़ दिए 8, कितना हो गया, सोडियम का 11, 11 में फिर हम 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया 19, ये पोटेशियम का, और इसमें फिर 19 में हम जोड़ दिए 18, तो ये हो गया 37, ये किसका हो गया, रूबिडियम का। 37 में हम जोड़ दिए फिर से 18, तो ये हो गया 55, स्कैंडियम का, ठीक है। और 55 में हम जोड़ दिए फिर से 32, तो ये हो गया 87, 87 हो जाता है हमारा फ्रांसियम का। तो ये हमारा एक लाइन खत्म हो गया, एक आवर्त खत्म हो गया, ठीक है। ये वर्ग है इस ब्लॉक का। है लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, फ्रांसियम, ये इसका एटॉमिक नंबर भी निकालना सिखा दिए, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए। और दूसरे वर्ग की ओर चलते हैं इस ब्लॉक के। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो बोलते हैं अच्छे से, गांव में अच्छा से पढ़ लोगे तो छोटे लोग बोलते हैं साइकिल लेंगे, अब वही बड़े लोग बोलते हैं कि हाँ तुम लोग पास हो जाओगे तो हम आपके लिए, जब पास हो जाओगे तो हम कार लेंगे, स्कूटर लेंगे, बोलते हैं अमीर आदमियों की बात है। तो वही है, अगर पास हुआ होगा तब मंगा है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। इससे किससे किससे बना है, ये बेरियम है, बेरिलियम, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम,
बेरियम, ये रेडियम, ठीक है, ये हो गया बेटा मांगे, बेटा से हो गया बेरियम, मांगे मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंशियम, बाप से बेरियम, राजी से रेडियम, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर भी याद कर लेते हैं अपन, एटॉमिक नंबर इसका होता है 4, ठीक है, मैजिक नंबर हमको मालूम है, इसको हटा देते हैं, फिर इसमें 8, 8 में 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 12, मैग्नीशियम का 12 हो गया, 12 में फिर से हम 8 जोड़ दिए तो ये कैल्शियम का 20 हो गया, अब 20 में हम जोड़ दिए फिर से 18, तो ये हो गया 38, ठीक है, स्ट्रोंशियम का, और 38 में हम 18 जोड़ दिए तो हो गया ये 55, 156, और फिर से 38 में हम जोड़ दिए 32, तो हो गया ये हमारा 88, ठीक है, हमारा 2 लाइन कंप्लीट हो गया। पहला देखते हैं, है लीना ने कीरब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, फार्सियम, फ्रांसियम, ठीक है। दूसरा देखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा से बेरियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार का इसमें कैल्शियम, स्कूटर का स्ट्रोंशियम, बाप का बेरियम, राजी का रेडियम, ये हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन डी ब्लॉक की ओर, एक से दो बार पढ़ोगे बिल्कुल सब समझ आएगा, एकदम इजी है तरीका, सब समझाते हैं, सबका कुछ ना कुछ अलग रहता है, आपको इसको कम से कम, आप जैसे केमिस्ट्री वाले हो तो आपको तो कम से कम 30, 10वीं 12वीं हो तो 30 याद करना है, जो केमिस्ट्री वाला नहीं है उनको भी 20 तक मिनिमम याद करना है, क्योंकि आपको कोई भी व्यापम एग्जाम दिलाना है, कुछ भी दिलाना है, तो ये सब कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि आपको व्यापम का तैयारी करना है तो व्यापम तो एक विषय में होता नहीं है, सबको दिलाना पड़ता है, ठीक है। तो अपन आ गए अपन डी ब्लॉक की ओर, डी ब्लॉक में चलता है पहले ये वाला, सुनो सुनो, तुम विवाह विवाह कर लो, विवाह करोगी मुझसे तो कोई नहीं, तो फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है, ये डी ब्लॉक का है। सुनो तुम विवाह करोगी मुझसे तो कोई नहीं कहेगा जानू, ये ट्रिक है, याद करना पड़ेगा, सुनो तुम विवाह करोगी मुझसे तो फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है, या इसी को और बोल सकते हैं, एक और पहले बता देता हूं, ये हो गए इसका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक, ठीक है। सुनो तुम विवाह करोगी मुझसे फिर कोई, यहाँ कोबाल्ट यहाँ हो जाएगा, कोई नहीं कहेगा, यहाँ कहेगा जानू, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं, सुनो तुम विवाह करोगी मुझसे तो फिर कोई नहीं कहेगा जानू, सुनो का हो गया स्कैंडियम, तुम का हो गया टाइटेनियम, विवाह का वी से हो गया वेनेडियम, करोगी का होता है ये क्रोमियम, मुझसे मैग्नीशियम, मैग्नीस, फिर का हो जाता है आयरन, Fe है आयरन, ठीक है, कोई का कोबाल्ट हो जाता है, नहीं का निकिल हो जाता है, कहोगे कहेगा कहेगा का कापर और जानू का जिंक, ठीक है, इसका याद नहीं करना एकदम, वो है 21 22 24 25 26 27 28 29 30, इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, बस याद करना है, एक अगर याद हो जाए 21 से 30 तक, ठीक है। एक बार फिर, सुनो तुम विवाह करोगी मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है, या एक और ट्रिक बना सकते हो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं छूटेगा,
जनाब, ठीक है। एक आपने ट्रिक से और बना सकते हो, ये मैं बनाया हूँ। अब ये हो गया, एक हो गया, दूसरा देखते हैं। डी ब्लॉक का ही, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको गाना की तरफ ही बना लो, गाना की तरफ ही बना बना के मन में याद करो। एक बार करोगे, दो बार करोगे, पढ़ोगे, पूरा सब याद हो जाएगा, ठीक है। ये रटने वाला नहीं है, समझना है, शॉर्ट ट्रिक को समझना है, लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड वाला। यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में, रुकावट राह में पड़े, कूद जा आगे। देखो दोस्त कैसे होते हैं, यारी जरा निभाना भी है मौत तक, और अगर रुकावट पड़े तो आगे भी कूद जा, ठीक है। तो ये है, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक राह में, रुकावट राह में पड़े तो कूद जा आगे, ठीक है। ये हमारा डी ब्लॉक का सेकेंड लाइन का है, ठीक है। ये डी ब्लॉक का है, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक राह में, रुकावट राह में पड़े कूद जा आगे। इसका होता है इट्रियम, इट्रियम, जिरकोनियम, जिरकोनियम, निरकोनियम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रूठेनियम, ये रूठेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, अब ये हो जाएगा सिल्वर, है ना। ये हो गया सिल्वर, हो गया। सिल्वर, कैडमियम, यारी जरा निभा मौत तक राह, रुकावट राह में पड़े कूद जा आगे। वाई का हो, यह का हो गया इट्रियम, जरा का जिरकोनियम, निभा का निरकोनियम, मौत का मॉलिब्डेनम, रुकावट का टेक्टिनियम, और तक का टेक्टिनियम, रुकावट का रूठेनियम, और राह का रहोडियम, पड़े पलेडियम, कूद जा सिल्वर, आगे कैडमियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है। आवाज कम करने को, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े कूद जा आगे, ठीक है। इट्रियम, जिरकोनियम, निरकोनियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टेनियम, रूठेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। इसका अपन वो देख लेते हैं सिंबल, वाई जेड ई जेड ई जेड आर, जिरकोनियम, जिरकोनियम, एन एन बी एम ओ, और टी ए आर यू आर एच, और पी ए, और ए जी, और के डी, ये होता है, ठीक है। कोई बहुत कठिन नहीं है, बस दो दो बार याद करिए, सब बनते जाएगा, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े कूद जा आगे, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है। ये दो हो गया, तीसरा देखते हैं। दो से तीन बार पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा इसमें, और आगे आगे बता रहे हैं, फिर आपको समझ आते जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तीसरा आवर्त देखते हैं इसका, ठीक है। तीसरा आवर्त देखते हैं।
डी ब्लॉक का तीसरा आवर्त देखते हैं। ला हप्ता, ला हप्ता वरना रे पड़ेगी, पड़ेगी ला हप्ता वरना रे उसमें, ला हप्ता वरना रे उसमें उसमें इधर उधर, इधर उधर ला हप्ता इधर उधर वरना पिटाई और होगी। ला हप्ता, ला हप्ता वरना रे उसमें इधर उधर पिटाई होगी। ला हप्ता वरना रे इसमें इधर उधर पिटाई होगी। कोई मार्केट गए हैं, कोई उधारी लिए हैं, पैसा दे ही नहीं रहे हैं तो जाते हैं, या फिर पिक्चरों में देखे हैं हप्ता लेने के लिए जाते हैं तो नहीं बोलते हैं, धमका धमका के लेते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसी है ये भी, ला हप्ता वरना रे उसमें इधर उधर पिटाई होगी। ठीक है, इसका होता है लुठेनियम। लुठेनियम LU, हाफनियम, हाफनियम हो गया HF। ठीक है, हाफनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, और उसके बाद हो गया टेक्टेनियम, ये टी का हो गया, टेक्टेनियम, टेलेंटम, टेलेनम। ठीक है, टेलेनम हो गया और लुठेनियम, लुटेनियम, हेफनियम, ये हो गया टंगस्टन, W से दर्शाते हैं इसको, टंगस्टन को, टंगस्टन, टंगस्टन ये हो गया, ओस्मियम हो गया, फिर टंगस्टन, टंगस्टन हो गया, आरी हो गया, ये रुठेनियम, रुठेनियम, ओस्मियम, ओस्मियम, इट्रियम, यार हो गया इट्रियम, और हो गया प्लेटिनम, AU और Hg। थोड़ा सा कठिन नाम है, मेरे को भी थोड़ा सा याद होने में बड़ा मुश्किल जाता है। ला हप्ता वरना रे उसमें इधर उधर पिटाई और होगी। ठीक है, लुठेनियम, हाफनियम और टेलेनम, इट और ये हो गया टंगस्टन, टंगस्टन को W से शो करते हैं। ठीक है, और रुठेनियम, ओस्मियम, इट्रियम, प्लेटिनम का गोल्ड और मरकरी। ठीक है, ला हप्ता, ला हप्ता वरना रे उसमें इधर उधर पिटाई और होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड रो। अब चलते हैं पी ब्लॉक की ओर। ये डी ब्लॉक के थर्ड आता नहीं है उतना, यूज बहुत कम होता है। जो तीसरा आवर्त है ना वो याद थोड़ा सा कम होता है, बाकी दो तीन बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है, और यूज भी उतना नहीं होता है छोटे क्लासों में उतना। ठीक है, बाकी याद तो करना है, शॉर्ट ट्रिक है तो शॉर्ट ट्रिक में याद करते रहना है। ठीक है, ये हमारा मैजिक नंबर है ना, मैं मिटा रहा हूँ। पी ब्लॉक की ओर चलते हैं, पी ब्लॉक की ओर चलते हैं, बोरान फैमिली की ओर। पी ब्लॉक हमारा कहाँ से चालू हो जाता है, तीसरा से चालू हो जाता है, ये 13 से, ये हमारा पी ब्लॉक चालू हो गया 13 से 18 तक। ये हमारा बहुत वेरिएशन वाला ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ बहुत वेरिएशन, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं बोरान से, कहीं मार्केट जाओगे, मार्केट जाओगे सब्जी लोगे, सब्जी लोगे तो थैला की जरूरत पड़ेगा, तो उसी के बेस्ड में है ये। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, मार्केट गए, मार्केट में लिए बैगन, आलू लिए, गाजर लिए, अब आलू ले लिए, गाजर ले लिए, भरने के लिए कुछ चाहिए तो इन थैला, सबको थैला में भर दीजिए। ठीक है, ये हो गया बोरान, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया गैलियम,
और ये हो गया इट्रियम, इंडियम, और ये हो गया थैलियम। ठीक है, अब इसको यहाँ मैजिक नंबर फिर यहाँ काम करेगा, ये दो को हटा देते हैं। एटॉमिक नंबर साथ साथ बताते जा रहा हूँ, डबल हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, कभी वीडियो बना दिया हूँ लेकिन यहाँ भी बताते जा रहा हूँ, साथ में रिवीजन हो जाएगा आपका। बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन से बोरान, आलू से एल्युमिनियम, गाजर से गैलियम, इनका इंडियम और थैला का थैलियम। ठीक है, इसका होता है 5। अब 5 में हम मैजिक नंबर जोड़ते जाते हैं, 8, ये हमारा हो गया 13। 13 में अगर हम जोड़ दिए 18, ये हो गया हमारा 31 गैलियम का, और 18 में हम जोड़ 31 में हम जोड़ दिए 18, ये हो गया 49, हमारा 49 यहाँ हो गया इंडियम का, और थैलियम, थैलियम को 49 जोड़ दिए तो हो गया हमारा 32 जोड़ दिए तो हो गया हमारा 81। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ये हमारा पी ब्लॉक का 13वां खत्म हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं कार्बन की ओर। ये हो गया 13, 14 में चलते हैं कार्बन, कार्बन का हो गया 6वां, ये 5वां है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सीता जी कहते हैं सुनो प्रभु। ठीक है, इसको और बोल सकते हैं, इसका सबसे पहले वो बता देता हूँ, ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन और पीबी। ठीक है, कहे शिव जी सुनो प्रभा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहे शिव जी सुनो प्रभा, ये आपके ऊपर है। मैंने क्या लिखा है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सीता जी कहते हैं सुनो प्रभु। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन, कार्बन का होता है 7, 7 में अपन 8 जोड़ दिए कितना होता है 15, ये उल्टा हो जाएगा, 7 में 8 जोड़ो तो सिलिकॉन का 14 होता है, 7 दूनी 14, कार्बन का सॉरी 6 है, तभी बोल, सॉरी सॉरी, कार्बन का 6 होता है, और 6 और 8, 6 और 8 कितना हो गया हमारा 14, 14 सिलिकॉन का, और 14 में हम जोड़ दिए 18, तो ये हो गया 32, और 32 में हम जोड़ दिए 18, तो ये हो गया हमारा 50 जो कि टिन है, 50 में हम जोड़ दिए 32, तो ये हमारा हो गया 82। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी याद करते जाना है, और ये शॉर्ट ट्रिक भी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये हो गया, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस याद करते रहोगे बनते जाएगा। ठीक है, एक बार दो बार देखोगे वीडियो को सब समझ आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर भी 6 में अगर 8 जोड़ दिए जाए तो 14, 14 में 18 जोड़ दे 32, 32 में फिर 18 50, 50 में 32 जोड़ दिए तो 82। ठीक है, मैजिक नंबर के साथ बताते जा रहे हैं आपको, अब आते हैं नाइट्रोजन की ओर। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, आजकल आईपीएल चल रहा है आप जान ही रहे होंगे। ठीक है, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। ठीक है, आईपीएल में सब देश के आदमी बिकते हैं, है ना। तो ये हो गया नाइट्रोजन, हो गया फास्फोरस, हो गया आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया, Sb सब एंटीमनी हो गया, और बिस्मथ। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, आईपीएल में सब देश के खिलाड़ी बिकते हैं, तो उसी का शॉर्ट ट्रिक है, न्यूजीलैंड से नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, और सबसे एंटीमनी बीके का बिस्मथ। इसको और एक ट्रिक बना सकते हो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बीमार, बीमार अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये ठीक है,
आपकी इच्छा जैसे कर लो। आप इसमें एटॉमिक नंबर याद करते हैं, 7 इसका होता है, 7 में अपन 8 जोड़ दिए तो हो गया 15, 15 में अपन 18 जोड़ दिए तो हो गया 33 आर्सेनिक का, और 33 में अपन फिर 18 जोड़ दिए तो हो गया इसका 51, और 51 में 32 जोड़ दिए तो हो गया हमारा 83 बिस्मथ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 13, 14 और ये 15वां, 15वां ग्रुप तक हमारा कंप्लीट हो गया। 3 और बचा है, यहाँ 13वां से फिर एक बार रिविजन कर लेते हैं। बैगन आलू गाजर इन थैला, ये 13वां ग्रुप का है। 14वां ग्रुप का कहे सीता जी सुनो प्रभु। 15वां ग्रुप का है न्यूजीलैंड एक देश है, पाकिस्तान देश है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, सब बीके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल जब होता है तो सब देश के खिलाड़ी का नीलामी होता है, बिकते हैं, तो यहीं से है। ठीक है, आईपीएल वैसे आजकल सब देख रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन की स्थिति में इसलिए आईपीएल का ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अपन हो गया 16वां ग्रुप, चलते हैं। ये 16वां ग्रुप, ठीक है, 16वां ग्रुप में नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ओल्ड स्टाइल से टीपू, ओल्ड स्टाइल से टीपू, ओल्ड स्टाइल से टिपो। नहीं, देखिए आजकल नया नया जमाना हो गया, मॉडर्न जमाना चल रहा है, कोई नहीं देखे, पुराना साइकिल चला गया तो वो देखते हैं कि नहीं मेरा साइकिल कोई ना देखे करके छिपाते हैं। टिपो का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो ये हो गया, कोई भी चीज़ पुराना रहे हो, कोई नया आ जाता है मॉडर्न जमाने का तो उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, तो इसी को बोलते हैं ओल्ड स्टाइल से टिपो। ऑक्सीजन सल्फर, और सल्फर हो गया इस, और उसके बाद है सेलेनियम, सेलेनियम के बाद है टेलीरियम, अब पोलेनियम, टेलूरियम पोलेनियम। ऑक्सीजन सल्फर सेलेरियम टेलूरियम पोलेनियम। आप एटॉमिक नंबर कैसे ज्ञात करते हैं बताते हैं आपको। ये हो गया 8, 8 में फिर 8 जोड़ दो तो ये हो गया 16, और 16 में फिर हम जोड़ दिए कितना, 16 में जोड़ दिए हम 32, 18 सॉरी, 16 में 18 जोड़ दिए तो हो गया हमारा 34, 34 में फिर हम जोड़ दिए 32 तो हो गया हमारा ये 52, और ये पोलोनियम हो जाएगा हमारा 84। 32 जोड़ दिए तो ओल्ड स्टाइल से टिपो, मतलब ओल्ड पुराना जो रहते हैं, पुराना जो पहनावा या फिर बोलिए जाए कुछ भी सामान रहे, अपने आप को छिपाना चाहता है नए की अपेक्षा। ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल से टिपो, ये हो गया हमारा, ये 16वां था। अब चलते हैं 17वां ग्रुप की ओर। फिर कल बाहर आएगी आटो, फिर कल बाहर आएगी आटो, फिर कल बाहर आएगी आटो। ठीक है, ये हो गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्स्ट्राटाइन। ठीक है, फिर कल बाहर आएगी आटो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हो इसको, फिर कल बाहर आएगी आंटी। ठीक है, आपकी जो इच्छा, दो दो ठो है, फिर कल बाहर आएगी आंटी, या कल फिर बाहर आएगी आटो। ठीक है, इसका फ्लोरीन का होता है 9, 17, 35, जोड़ते जाते हैं, ऐसा नहीं है ना, इसमें जोड़े 8, 9 में 8 जोड़े तो हो गया 17, 17 में 8, 18 जोड़े तो 35, और ये हो गया इसका हो गया 53, और इसका हो गया 85। ठीक है, ये हाइलोजन है, इसको तो बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, लगभग इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाता है। ठीक है, फिर कल बाहर आएगी आटो, फिर कल बाहर आएगी आटो। ठीक है, अब हमारा लास्ट 18वां समूह को देखते हैं। ठीक है, 18वां समूह क्या बोलता है, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है, तीन लड़कियां हैं, हीना नीना और करीना, ये तीनों के जब एक्सरे हुआ तो इसका रिजल्ट आया रंगीन। ठीक है, तो उसी को लिए हैं, हीना नीना और करीना
एक्स रे रंगीन, ठीक है। एलिमेंट डालते हैं हीलियम, नियॉन, और क्या हो गया आर्गन, क्रिप्टान, रेडान, एक्स रे का जीनान, जीनान, ये हो गया रेडान। हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना के एक्स रे रंगीन, ठीक है। हीना नीना और करीना के एक्स रे रंगीन, हीना से हीलियम, नीना से नियान, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टान, एक्स रे से जीनान, और रंगीन से रेडान, ठीक है। इसका देखते हैं, ये दो हो गया, दो में अगर 8 जोड़ दे तो हो गया 10, 10 में 8 जोड़ दे तो 18 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 36, और ये हो गया 54, ये हो गया हमारा 86। हिना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है। 13 तक अपन, 13 से कहाँ तक वो कर लिए थे, 13 से 15 तक रिवीजन कर लिए थे, फिर 16 से 18 फिर रिवीजन कर लेते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, 17। फिर कल बाहर आएगी आटो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेटाइन। हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ये हो गया। इतना तो हो गया याद करने का, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं हम आपको। देखो कुछ ऐसा चीज है जिसको बहुत कम लोग बताते हैं, उसका बताते हैं, जैसे इतना बता दिए याद करने का तरीका, ठीक है। अब एग्जाम में जो व्यापम का एग्जाम का तैयारी कर रहा है या जो भी कर रहे हैं स्कूल कॉलेज का, इतना तो याद कर ले, ठीक है। ग्रुप का अब देखते हैं, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में होता है दो ब्लॉक, ठीक है, दो वर्ग, इसको हम बोलते हैं अल्कलाई, अल्कलाई, अल्काइली, अल्कलाई मेटल, ठीक है। ये हमारा बोलते हैं ना, हेलिना ने की रब से फरियाद, जितना भी आता है अल्कलाई मेटल है, इसको बोलते हैं अल्कलाई मेटल। अब सेकेंड जो बीडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, अल्कलाई हो गया, अल्कलाई अर्थ मेटल, ये अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाई अर्थ मेटल। बेरिलियम को छोड़, बेरिलियम को छोड़ सब पृथ्वी में आसानी से पाया जाता है, ये हो गया एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का नामकरण, ठीक है। नाम तो लेते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, एग्जाम में जैसा आ जाता है 16वें ग्रुप को क्या बोलते हैं, 17वें ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्वों को क्या क्या नाम है, तो एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल, और पूरा डी ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग, जो डी ब्लॉक पढ़ाए थे आपको, ये डी ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, इतना हो गया। अब पी ब्लॉक की ओर चलते हैं, एग्जाम में जो वेरियस रहते हैं उसी में ज्यादा आता है, हमारा पी ब्लॉक बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है, क्योंकि उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब पाए जाते हैं, इसलिए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको परीक्षा लेने के लिए कैसे करते हैं, इसलिए वो आपसे पूछते हैं, ठीक है, तो आपको बताते हैं। ये हो गया 13वां, 13वां को हम लोग बोलते हैं एसिड ग्रुप, ठीक है, ये 13वां ग्रुप हो गया, हम इसको बोलते हैं एसिड ग्रुप, ये होता है एसिड ग्रुप, ठीक है। 14 को बोलते हैं हम लोग केटायन, केटायन, केटेनेशन, केटेनेशन श्रृंखला बनाता है ये ग्रुप, ये ग्रुप आपस में जुड़ जुड़ के, जुड़ जुड़ के, जैसे कार्बन है इसमें कार्बन कार्बन जुड़ के ये चैन बना रहा है, इसको बोलते हैं केटेनेशन, प्लस चार्ज रहता है, ठीक है, ये केटेनेशन हो गया। पहला को अल्कलाई मेटल, अल्कलाई, दूसरा को अल्कलाई अर्थ मेटल, एस ब्लॉक का ये पहला हो गया, पहला रो, ये सेकेंड रो। डी ब्लॉक को हम बोले थे ट्रांजिशन एलिमेंट, 13वां को बोले हैं एसिड ग्रुप, 14वां को बोले हैं किटेनेशन, ठीक है, श्रृंखला बनाता है ये, और 14 को बोले हैं
हो गया केटिनेशन। 15 को बोले हैं जिसमें नाइट्रोजन रहता है, इसको फर्टिलाइजर ग्रुप, फर्टिलाइजर ग्रुप। इसमें पूरा खाद पाया जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस सब खाद ही है, सब जानते हैं प्राय प्राय। ठीक है, तो ये हमारा कितना ग्रुप हो गया, एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक तो हो ही गया, ये 13वां 14वां 15वां। ठीक है, 16वां को बोलते हैं हम लोग चेलकोजेन। ये चेलकोजिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम व्यापक एग्जाम में पूछते हैं कि 16वें ग्रुप का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं चेलकोजिन ग्रुप। ठीक है, ये 16वां हो गया चेलकोजिन। 17वां को बोलते हैं हाइलोजन, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लगभग सब जानते हैं इसको। 17वां ग्रुप को बोलते हैं हाइलोजन। हाइलो को मतलब होता है समुद्र, इसमें जितना भी एलिमेंट होता है वो सब उपधातु होते हैं, और सब धातु सब वहाँ समुद्र में पाया जाता है। हेलो मतलब समुद्र होता है, जितना एलिमेंट है सब समुद्र में पाया जाता है। 18 को बोलते हैं जीरो, जीरो ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप की बात हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सब दो दो नंबर का है। जैसे मल्टीपल चॉइस में आ गया, इस ब्लॉक में क्या क्या बोलते हैं, तो ये बोल दिए एल्काई मेटल, एल्काई अर्थ मेटल। ठीक है, और डी को ट्रांजिशन एलिमेंट। 13 में आ गए एसिड ग्रुप, 14 को बोलते हैं केटिनेशन ग्रुप, 15 को बोलते हैं फर्टिलाइजर, 16 को बोलते हैं चेलकोजिन, 17 को बोलते हैं हेलोजन, 18 को बोलते हैं जीरो ग्रुप। ठीक है, जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फुल्ली कंप्लीट रहता है अपने आयंस को लेकर। अब देखते हैं हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल है जिसको अभी हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जाना है। इसमें एक मेटल मरकरी 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर, अब ब्रोमीन ये होता है 35। ये मेटल, ये नॉन मेटल है, ये हमारा दोनों लिक्विड फॉर्म में होता है। ये हमारा दो ऐसा एलिमेंट है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल। मरकरी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोमीन। देखो अब इसको याद करने का तरीका, इसमें पांच का अंतर है, इसका 80 होता है, इसका 35। ठीक है, इसमें चार और जोड़ दो, पांच जोड़ दोगे तो इसका आधा हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है, मरकरी और ब्रोमीन ये होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में। जैसे पारा वारा देखे हैं, पानी गर्म और मकरने का टेम्परेचर नापने के लिए इसमें मरकरी भरा रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे ऐसे जब करोगे तो लिक्विड इधर से उधर जाता है, वही मरकरी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसकी संयोजकता कितना कितना होता है हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये होता है आप जैसे 13 से ले लीजिए, 13 14 15 16 17 और ये हो गया 18। ठीक है, अब इसकी संयोजकता, संयोजकता देखते हैं, इसके होते हैं +3 +4 +5 +6 +7 ए +8। कुछ समझ आ रहा है? देखो ऑड इसमें दिख रहा है, कुछ ऑड नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर में 13 15 17। ठीक है, तो जितना है लास्ट वाला ये देखो, ये सब उसी को शो करेगा। 14 है 4, इवन है तो इवन शो करेगा संयोजकता, और ऑड है तो ऑड नंबर में। 13 है तो देखो 3 संयोजकता शो कर रहा है, 14 है तो 4 संयोजकता शो कर रहा है, और 15 है तो 5 संयोजकता शो कर रहा है, और 16 है तो 6 है। ठीक है, ये मैक्सिमम है ना, मिनिमम नहीं है। प्लस को मैक्सिमम लेते हैं और माइनस को मिनिमम। तो इसकी संयोजकता, ग्रुप 13 की संयोजकता 3, और इसका 4, और 15 की 5, 16 की 6 और 17 की 7, 18 की 8। ठीक है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम निकालने के लिए इसको आप 8 में घटाते जाइए। ठीक है, ये हो गया, अगर 8 में घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो गया और ये तो हो गया। ठीक है, अब 14 से देखते हैं, अगर इसको यहाँ से, ठीक है ये +3 रहता है, ये प्लस वाला है, ये पूरा ये यहाँ तक देखते हैं तो माइनस वाला आ जाता है। यहाँ से देखते हैं, इसको -4 हटा दिए तो ये बच गया कितना, इसका 4। -4 से लेकर +4 तक इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, -4 से +4 तक, तो ये इसमें क्या क्या हो जाएगा, +2 और +4।
प्लस टू प्लस फोर होता है, मिनिमम -4, मैक्सिमम +2 +4, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन का आपको पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ आपको वहाँ आसानी से मिल जाएगा। और जैसे कि इसको 15 15 ग्रुप में 5 निकालते हैं तो +5 -8 हो गया, यहाँ -3। -3 से लेकर +5 तक इसका रहता है, -3 मैक्सिमम मिनिमम है, +5 इसका मैक्सिमम ऑक्सीकरण है। समझ नहीं आ रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को रोके फिर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजकता पूछते हैं, संयोजकता 13 में 3 14 में 4, ये सम संख्या का सम संख्या करेगा, विषम संख्या का ऑक्सीडेशन संख्या संयोजकता विषम, सम का सम संयोजकता, बस यही है, ठीक है। ये सम, ये विषम है तो विषम संयोजकता, सम है तो सम संयोजकता 4, विषम फिर 5, सम फिर 6। तो इसको अगर आपको मिनिमम निकालना है तो 8 में घटाते जाइएगा, 8 में घटाएंगे 6 को तो कितना बचा, -2, -2 से +6 तक, तो ये प्लस है तो इसमें और क्या क्या हो सकता है, +2 +4 और ये +6, ये मैक्सिमम है ना, और मिनिमम -2 से। सेम वैसे आगे करते जाएंगे, तो ये हो गया इसकी संयोजकता, ठीक है, संयोजकता हो गया। अब इसमें अब क्या बच गया है, और अभी हम बताए थे एक ये एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर, ये एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन को छोड़कर सब धातु है, ठीक है। और पी ब्लॉक बताए थे धातु, उपधातु और धातुकर्म, तीनों पाया जाता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 17वां ग्रुप, ये हमारा 17वां ग्रुप है, ये और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। जब नॉन मेटल को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो हमको साल्ट मिलता है, क्या बोले हैं, नॉन मेटल या मेटल, ठीक है, रिएक्ट कराना है। जब नॉन मेटल को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो हमको साल्ट मिलता है, जैसे इसमें हम लोग ले लिए सोडियम, इसमें है ना सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और प्लस क्लोरीन, ये क्या होता है, ये हमारा ये नॉन मेटल है और ये हमारा मेटल है, बन गया साल्ट, नमक। और इसी में फिर मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड, ये भी साल्ट है, ठीक है। ये नॉन मेटल को मेटल से मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल, अब पीरियोडिक टेबल हो गया, एक आक और बता देते हैं। कोई भी यौगिक जितना प्लस रहेगा उतना माइनस रहेगा, ठीक है, जितना प्लस रहेगा उतना माइनस रहेगा। मान लेते हैं 4 प्लस है तो उसमें डेफिनेटली 4 माइनस ही होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, CrCrO4, Ca2CrO4, ठीक है। अब इसमें हमको क्रोमियम का निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर प्लस माइनस कितना होता है, प्लस मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है। तो देखिए हम सबसे पहले इसका जानते हैं -2 होता है इसको, और मैं ऑक्सीकरण डिटेल से पढ़ाऊंगा, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो आप सोचिए फेवरेट टॉपिक है तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी देखते हैं। प्लस मैं अब समझाया हूँ, प्लस जितना रहेगा कोई भी यौगिक में उतना ही माइनस रहता है। तो ये हम देखते हैं इसका -2 होता है और 4 4 पहले से है, तो ये हो गया -8। अब देखो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में 4 8 माइनस है तो डेफिनेटली 8 यहाँ पे प्लस भी होगा, तो पोटेशियम का हम जानते हैं +1 होता है और ये 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस 2। अब देखिए अब ये 8 है ना, तो 8 में -2 कर दो तो +6, क्रोमियम यहाँ +6 है, ये हो गया, यहाँ क्रोमियम में पोटेशियम में 2 और क्रोमियम में 6 6 और 2 8, ये होता है। जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से लाइक करें, शेयर करें, इससे मेरे को पैसा नहीं मिलता आगे, और मेरे को लगता है हाँ मेरे को वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं तो मैं और अच्छा से अच्छा पढ़ाऊँ। नहीं समझ आता है तो कमेंट करिए, कोई नया टॉपिक पढ़ाना है तो कमेंट करिए, प्लीज़, थैंक यू।